दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्तिका झा की, जो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 में काफी तहलका मचा रही है। वर्तिका झा एक इंडियन डांसर, कोरियोग्राफर, साथ ही एक एक्ट्रेस भी है, जो डांस प्लस 4 जैसे रियलिटी शो में फाइनलिस्ट भी रह चुकी है। साथ ही इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 में विनर कोरियोग्राफर रह चुकी है। यह हिप हॉप, बेली और पॉपिंग जैसे डांस मूव्स के लिए जानी जाती है। वर्तिका का जन्म 8 अप्रैल 2000 को रेणुसागर, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम अरविंद कुमार झा और माँ कांता झा है, जो हिंडाल्को रेणुसागर में एक ऑपरेटर है। ये हिंदू ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती है। वर्तिका को बचपन से ही डांस के प्रति काफी जुनून था, जिसके कारण उनके माता पिता वर्तिका को डांस टीचर के पास डांस की शिक्षा दिलाने चले गए और 12 साल की उम्र में आसपास के डांस कंपटीशन में भाग लेना शुरू कर दिया। इन सब में भाग लेने के बाद वर्तिका ने डांस रियलिटी शो में भाग लेने का फैसला किया और मुंबई चली गई। कई बार फेल्योर का सामना करने के बावजूद भी वर्तिका ने हार नहीं मानी और आखिरकार वर्तिका को 2018 में डांस प्लस के सीजन 4 पर चुन लिया गया। अपने डांस मूव्स और स्टाइल से उन्होंने जजेस और सभी ऑडियंस का दिल जीत लिया और उस शो में वर्तिका फाइनल में पहुंच गई, जहां वह सेकंड रनर अप बनी। उसके बाद डांस प्लस के जज, कोरियोग्राफर और बॉलीवुड डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने वर्तिका को स्ट्रीट डांसर 3D में वरुण धवन और श्रद्धा कपूर के साथ कास्ट किया। इसके बाद वर्तिका इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 1 में विनर कोरियोग्राफर और सुपर डांसर चैप्टर 4 में सेकंड रनर अप कोरियोग्राफर और उसके बाद फिर इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 में विनर कोरियोग्राफर बनी। इसके बाद भी ये नहीं रुकी। फिर 2022 में इन्होंने लिटिल मास्टर सीजन 5 में टीम वर्तिका की कप्तान बनी, जहां उन्होंने टीम वर्तिका के सभी कंटेस्टेंट के लिए कोरियोग्राफी किया। उसके बाद DRD सुपर मॉम सीजन 3 में विनर कोरियोग्राफर बनी। इनके टोटल नेटवर्थ की बात करें तो इनके टोटल नेटवर्थ अराउंड 50 लाख है और ये पर एपिसोड 35 से 50 हज़ार चार्ज करती है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा।